हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हटके जो वीडियोस मैं बनाती हूँ। और ये वीडियो किसी कंटेंट के लिए या वॉच आवर्स गेन करने के लिए या मतलब ऐसे सब्सक्राइबर्स गेन करने के पर्पज़ से नहीं है। ये वीडियो है स्पेसिफिकली रोहन वर्दी के लिए। आई एम नॉट श्योर अगर आप लोग रोहन वर्दी को जानते हैं। रोहन वर्दी इज़ वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स हेयर इन US एंड ही इज़ इन इंडियन। उनके क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब 1 मिलियन सून आई होप उनके होंगे जल्द। रोहन वर्दी को मैं लास्ट 5-6 मंथ से फॉलो करती हूँ ऑन यूट्यूब। मुझे उनका व्लॉगिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टिव वीडियोज़ बनाते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब करते हैं कॉन्टेंट क्रिएट। आज मॉर्निंग में ही मुझे एकदम से नोटिफिकेशन आया रोहन वर्दी के चैनल से एंड उसका जो थंबनेल था ना, दैट वॉज रियली शॉकिंग। उसका थंबनेल बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। द टाइटल वॉज आई गॉट अटैक्ड और रोहन वर्दी को एक डॉग ने, किसी दूसरे के पेट ने अटैक किया। उनका फेस काफ़ी हद तक थोड़ा डैमेज हो गया, उनके नोज़ में स्टिचेज आए, उनके लिप्स में स्टिचेज आए। तो मुझे ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और यही रीज़न था कि मैंने वीडियो बनाना का सोचा। बिकॉज़ रोहन वर्दी, मैं आपको मतलब स्पीड रिकवरी विश करना चाहूँगी। और मैं क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ एंड आपका व्लॉगिंग स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप काफ़ी इंस्पायर करते हैं मुझे। सो दैट वॉज़ द रीज़न कि वाई मैंने सोचा कि आपको ये आपको मैसेज देने के लिए बेसिकली मैंने वीडियो बनाने का सोचा। बिकॉज़ आई नो आपके इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, आपके यूट्यूब फैमिली काफ़ी ह्यूज है एंड आई एम श्योर अगर मैं आपको कॉमेंट करती या कहीं पर भी मैसेज करती, वो मैसेज कहीं ना कहीं छुप जाता। सो रोहन वर्दी, विश यू स्पीड रिकवरी। आई होप आपकी बहुत जल्दी रिकवरी हो, पेनलेस रिकवरी हो एंड यू गेट योर ब्यूटीफुल फेस बैक। सरप्राइजिंगली आज ही रोहन वर्दी आपका डे इन माय लाइफ करके एक व्लॉग था जो मैं देख रही थी और उसमें एक फनी मोमेंट हुआ था जो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। इट वॉज लाइक शायद से आप ड्राइव करके कहीं जा रहे थे रेड कलर के क्लोथ्स में, दो एसोसिएट्स, आई डोंट नो आप शायद पार्किंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एंड वहाँ पे यू टोल्ड देम दैट यू आर शूटिंग इट फॉर यूट्यूब एंड यू आस्क्ड देम यू डू नीड द नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल। एंड उसके बाद उस बंदे ने जैसे ही आपका नाम सर्च किया एंड ही वॉज शॉक दैट ओ यू आर फेमस। तो मुझे वो मोमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, उसके लाइक 10-15 मिनट्स बाद मुझे एकदम से नोटिफिकेशन आया ये वाला, तो मुझे बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते, तो मैंने रिसेंटली अभी एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक डॉग्स पार्क है और वहाँ पर रिसेंटली एक लेडी अपने अग्रेसिव डॉग को ले जा रही थी और उनका जो पेट है वो दूसरे के पेट पे अग्रेसिव हो रहा था। एंड मैंने भी तब भी ये मैसेज भेजा था कि अगर आपके पेट हैं, अगर आप पेट ओनर हैं, सो मेक श्योर कि अगर आप उनको बाहर लेके जाते हैं, उनको लीश करिए और अच्छे से रखिए। ये जो आप सामने ये वाला पार्क देख रहे हैं, राइट, ये पूरा इतना बड़ा डॉग्स पार्क है जो मेरी लोकेलिटी के आसपास है। तो हम लोग सोचते हैं कि US में है, कैनेडा में है, इवन इंडिया में भी है, अगर किसी का पेट काट देता है तो पेट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि सारा फाइन भरे, सारा खर्चा भरे, एवरीथिंग, सब कुछ भरे। बट आई थिंक पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, बिकॉज आपका फाइन से आपका शायद दवाइयों का, स्टिचेस का खर्चा तो निकल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द पेन जो आप पेन झेल रहे हो उस मोमेंट पे, जो आपका फेस ख़राब हो गया है या फिर फेस नहीं तो हाथ पैरों में कहीं अगर कहीं और बाइट किया वो चीज़ ख़राब हो गई है, उसका क्या, उस पेन का क्या, राइट, दैट कैन नॉट बी रिटर्न बैक विद एनी फाइन और एनी मनी। सो बी केयरफुल, ये चीज़ सोच के अपने मन को सांत्वना दीजिए कि अगर बाइट किया तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर विल बी पेइंग द फाइन, या इस तरीके से आप मत सोचिए। बिकॉज ओनर सिर्फ फाइन देगा, ओनर आपके हिस्से का दर्द नहीं सहेगा और चेहरा या हाथ पैर कहीं पर भी कुछ हुआ वो आपका ख़राब होगा। सो या मुझे रोहन वर्दी का वीडियो देख के काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज आई नो ही इज़ अ फेमस यूट्यूबर, उनके फेस को काफ़ी थोड़ा मतलब क्या बोलूँ यार, अच्छा नहीं लगा वो देख कर। तो वही, अब वो उनके हिस्से का पेन तो वही सह रहे हैं, राइट, एंड ही इज़ ऑल्सो स्केयर्ड कि पता नहीं फेस वापस आएगा सही से या नहीं आएगा। तो यही है यार, थोड़ा केयरफुल रहना बनता है कि नहीं, चाहे आप कितने भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करते पेट से, चाहे आप कितना भी ज़्यादा प्यार करते, स्टिल अगर आपका पेट नहीं है, किसी और का पेट है, बी केयरफुल। बिकॉज आप लोगों का पेट आपके लिए बहुत फ्रेंडली होगा, बट इफ़ यू आर एन ओनर, इट्स नॉट श्योर कि आपका पेट दूसरे के लिए भी फ्रेंडली हो। स्पेशली अगर वो बहुत प्यारी ब्रीड है, लविंग ब्रीड है, लाइक रिट्रीवर्स है, लैब्राडोर्स है, दैट इज़ फाइन। बट अगर वो पिटबुल या कुछ ऐसी खतरनाक ब्रीड है, यू नो, तो दैट कैन बी डेंजरस समटाइम्स। सो आप एज एन ओनर भी केयरफुल रहिए। तो मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलना चाहूँगी कि लेट्स विश स्पीड रिकवरी फॉर रोहन वर्दी। एंड रोहन वर्दी, इफ़ यू आर वॉचिंग इट, आई विश कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपको पेनलेस रिकवरी हो एंड यू गेट योर ब्यूटीफुल फेस बैक। थैंक यू सो मच।